हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस बावर्ची। आज हम एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे, गेहूं के रवे से उपमा। इसके लिए मैंने 100 ग्राम गेहूं का रवा ले लिया है। ये बहुत हेल्दी रवा होता है। और 1 टेबलस्पून जो प्याज है, छोटी प्याज को कट करके ले लीजिए। इसकी क्वांटिटी 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून फली के बीन ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए। 1 टीस्पून राई ले लें। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लें। 2 हरी मिर्चों को इस तरीके से चीरे लगा के छोटे टुकड़ों में कट करके रख लें। कलियापक ले लें 2 स्प्रिक्स। थोड़े से हरा धनिया ले लें और टेस्ट के हिसाब से नमक ले लें। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसे गर्म होने देंगे। और पैन गर्म होने के बाद उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, इसमें बहुत ही कम तेल लगता है। और तेल को गर्म होने दें। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है लाइटली। अब हम इसमें बघार के लिए राई डालेंगे। कलियापक डाल दीजिए। प्याज डालें। और धीमी आंच पर रखकर इसे सॉटे कर लें। चीजें इसी तरीके से मिक्स करें। नेक्स्ट इसमें हम अब हरी मिर्ची डालेंगे। और इसी बगार में हम मूंगफली डालेंगे। और इसी तरीके से 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इसी बगार में मैं 1/4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको उसमें में अदरक लहसुन का पेस्ट फ्लेवर अगर पसंद आए तो यूज करें, और ना स्किप कर सकते हैं। लेकिन यूज करके देखिए, बड़ा ही जबरदस्त फ्लेवर आता है। हमने जिस क्वांटिटी में गेहूं का रवा लिया था, उसे डबल क्वांटिटी में हम पानी यूज करेंगे। यानी 100 ग्राम मैंने रवा लिया है, इसलिए मैं 200 ml पानी यूज कर रही हूँ। और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दें। देखिए, अभी जो पानी है, जब वो पानी बॉईल होना शुरू हो जाए, तब हम इसमें ये गेहूं का जो रवा है वो ऐड करेंगे। और कंटिन्यूअसली मिक्स कर लेते हुए पकाएंगे, ताकि लम्स ना बने। जो हमारा उपमा है, खिला खिला बने। इसी तरीके से 5 मिनट चलाते हुए पकाएं। ये जब इस तरीके से उपमा पक रहा हो, तभी हम ये जो हरा धनिया है, उसे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। इसका फ्लेवर बड़ा ही जबरदस्त आता है। उपमे के रवे से कंपेयर करें तो ये जो गेहूं का रवा है, पकने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैंने क्वांटिटी बहुत कम यूज किया है, तो 5 मिनट में आराम से ये जो रवा है, गेहूं का रवा, उपमे की शक्ल ले लेगा, पक जाएगा। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पकने देंगे। देखिए, देखने में कितना कलरफुल लग रहा है, बहुत ही हेल्दी है नाश्ता। जरूर पकाएं, ट्राई करें इस डिश को। और जब फीवर आता है, तभी खाना खाने का मन नहीं करता है, और तब इस वक्त इस तरीके से ब्रेकफास्ट आइटम्स बनाकर खा सकते हैं। तो ये उपमा, जिसमें बहुत ही कम तेल यूज हुआ है, ये तो हेल्दी आइटम है, जरूर ही ट्राई करें। देखिए, 5 मिनट में ये जो गेहूं के रवे का उपमा है, बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। स्टोव ऑफ करें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे नए नए वीडियोस आने के लिए आप कंपलसरी
बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप देख सकें। थैंक यू सो मच।